आदित्य एलवान का ये पेलोड हमें सन के ऐसे फोटोज देगा जो आज तक पूरी दुनिया ने नहीं देखे। इस पेलोड का नाम है सूट और इस वीडियो में हम साइंस तो जानेंगे ही, पर मैंने एक 3D मॉडल बनाया जिससे हम समझेंगे कि ये कैसे काम करता है, कितना मेगापिक्सल का कैमरा है वगैरह वगैरह। लास्ट वीडियो में मेरे को किसी ने पूछा कि आपके वीडियो में सन ऑरेंज क्यों है। कुछ लोग इस क्वेश्चन से शॉक होंगे क्योंकि सन तो ऑरेंज ही है, राइट? नहीं है सन ऑरेंज। अगर आप स्पेस से देखो तो सन आपको व्हाइट दिखेगा, वो इसलिए क्योंकि रेनबो का पूरा कलर्स है, राइट? उसमें आपने वो प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट देखा होगा जिसमें सन प्रिज्म के ऊपर गिरता है और वो स्प्लिट होता है अलग अलग रेनबो कलर्स में। तो वो क्वेश्चन अच्छा था। अभी उसके रिस्पांस में ये फोटोज देख लो। ये जो फोटोज आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है उसे कहते हैं फुल डिस्क इमेज, मतलब सन का पूरा डिस्क का इमेज। और आप देखोगे अलग अलग कलर्स है, कुछ केसेस में टेक्सचर ही अलग है सन के सरफेस का। ये इमेजेस है नासा के STO यानी सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी के। ये जिस दिन वीडियो अपलोड हुआ उसी दिन के इमेजेस है। ये कलर्स अलग क्यों है और आपको ये दिख रहा है वेवलेंथ NM में लिखा है नैनोमीटर में, इसका मतलब क्या है? देखो ये जो भी लाइट है पूरी दुनिया में वो इस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में डिक्टेटेड है। हमारे आंखों को बस ये विजिबल रीजन जो है, ये पूरा रेनबो हमारे आंखों को उतना ही दिखता है। बट अगर आप देखो इस रेनबो के एज पे दो चीजें है, राइट? एक एज इंफ्रारेड लिखा है और एक एज पे UV अल्ट्रावायलेट। इंफ्रारेड थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, पर आपको प्रॉपरली देखना है तो आपके पास अगर कोई ओल्ड रिमोट है बल्ब वाला जिसमें बल्ब है आपके, तो उसपे अपना कैमरा पॉइंट करो और बटन दबाओ, उससे आप इंफ्रारेड देख सकते हो। यूवी का वो जो थोड़ा वायलेट और उसके वहां एज है वो भी हमें थोड़ा बहुत दिखता है अगर आपने वो स्क्रीन प्रोटेक्टर्स वगैरह यूज किए जहाँ पे वो यूवी का ग्लू इस्तेमाल करते हैं, मतलब लगाने के बाद यूवी टॉर्च आप लगाते हो तो वो यूवी लाइट इस्तेमाल करते हैं। इसी बहाने सूट का फुल फॉर्म बोल देता हूँ आपको। सूट का फुल फॉर्म है सोलर यूवी इमेजिंग टेलीस्कोप। नाम से ही पता चल गया होगा कि ये यूवीज में फोटो खींचेगा सूरज के। अभी देखो यूवी के अंदर भी ना अलग अलग कैटेगरीज है, राइट? कुछ लोग जस्ट फार यूवी और नियर यूवी में डिक्टेट कर देते हैं उसे 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर में FUV और NUV, और कुछ जगह आपको 3 अलग या 4 अलग डिफरेंशिएट्स मिलेंगे, वो है UVA, UVB और UVC। और जो मैंने आपको जस्ट SDO के इमेजेस दिखाए, राइट, अभी जो फुल डिस्क इमेजेस दिखा रहा था, वो उसमें से कुछ इमेजेस थे EUV में, एक्सट्रीम UV, जो एक्सरेज और UV के बॉर्डर पे आता है। आपने शायद EUVA सिलिकॉन की इसमें भी सुना होगा, राइट? वो लिथोग्राफी और 7 नैनोमीटर 4 नैनोमीटर की। उसमें आदित्य एलवान ऑपरेट करेगा 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के रेंज में। अब मुझे बताए इसमें क्वेश्चन होगा कि कोई और स्पेसक्राफ्ट है क्या जो इस रेंज में फोटोज खींच रहा है? काइंड ऑफ नहीं, मैं समझाता हूँ। उससे पहले सबसे बड़ा सवाल आपके मन में अभी होना चाहिए कि यूवी क्यों, साइंटिस्ट ने यूवी रेंज ही क्यों चुना और कोई रेंज क्यों नहीं? देखो ये मैंने काफी बार एक्सप्लेन किया है कि सन के अलग अलग लेयर्स है, राइट? अगर आप सन जैसे धरती पे एटमॉस्फेयर वगैरह है, वैसे सूरज का भी एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर का नाम है कोरोना। पर जो सन का सरफेस है जो हमें आंखों से दिखता है, जब हम सन कहते हैं जो दिख रहा है हमें, जो ग्लो है, वो इधर फोटोस्फीयर नीचे हुआ या क्रोमोस्फीयर फोटोस्फीयर के ऊपर। अब क्रोमोस्फीयर ऐसे एकदम हार्ड एज जैसा नहीं है, वो ट्रांजिशन रीजन समझो आप, जहां पे वो थोड़ा लिक्विड से एटमॉस्फेयर में जा रहा है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इसी फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर में ये सन स्पॉट्स वगैरह बनते हैं, यहीं ये ऐसे बड़े बड़े फ्लेयर्स वगैरह बनने लगते हैं, और यही रीजन है जो अर्थ को अफेक्ट कर सकता है, राइट? यहाँ से कोई बड़ा फ्लेयर ऐसे निकल के गया और धरती की तरफ तो हमारे सैटेलाइट्स की भी वाट लगा सकता है। अब देखो कोरोना को ऑब्जर्व करने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था वेल्सी इंस्ट्रूमेंट आदित्य एलवान के ऊपर, तो वो ऑब्जर्व करेगा कोरोना को अपने कोरोनाग्राफ से, तो वो तो एरिया हमारा सॉर्टेड है सूरज का। सूट का काम है फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर और थोड़ा बहुत कोरोना का एज ऑब्जर्व करना। पर यूवी से क्या रिलेशन? देखो अगर आप हम वापस उस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में आए तो होता क्या है, जैसी कोई चीज गर्म होती है, आपने देखा होगा रेड आयन को जब हम गर्म करते हैं, कोई भी जिसको तो रेड हॉट कहते हैं, रेड हॉट होने लगती है। पर आप उसे गर्म करते जाओ तो रेड हॉट से लेफ्ट में आने लगेगी, वो स्लोली यूवी रिलीज करने लगेगी। अगर आप और भी गर्म करो किसी चीज को तो एक्सरेज भी रिलीज करने लगे। तो अगर ये फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर का टेम्परेचर ऐसा है कि वो यूवी रेंज में ही गिरता है, इसलिए यूवी इंपॉर्टेंट है अगर हम उस दोनों लेयर्स को ऑब्जर्व करना है तो। इसलिए ये 200 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर आदित्य एलवान ने चूज किया सूट के लिए। अभी देखो एक और भी गड़बड़ है। अगर आप देखो धरती पे मोस्ट ऑफ द यूवी लाइट अगर आप इस इमेज में देखो तो वो फिल्टर होती है ओजोन लेयर की वजह से और एटमॉस्फेयर की वजह से। थोड़ा बहुत ही यूवी धरती पे आता है जो नियर यूवी है, जो 315 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। इसी यूवी के वजह से हमें विटामिन डी मिलती है। ये जो भी लोग कहते हैं कि सूरज से विटामिन डी मिलती है, वो इसलिए क्योंकि आपके स्किन के ऊपर यूवी गिरती है और वो कुछ ब्रेक डाउन होते हैं मॉलिक्यूल्स और मिलता है।
पर मोस्ट ऑफ द यूवी अगर आप देखो तो वो नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें सन को, सूरज को इस रेंज में ऑब्जर्व करना है तो कोई चॉइस नहीं है बल्कि स्पेस जाने के बदले। इवन जो यूवी ए रेंज का जो है, जो हमें धरती से दिखेगा, वो उतना कुछ खास होगा नहीं क्योंकि एटमॉस्फेयर वगैरह प्रॉब्लम करते रहेगा। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूवी सी और यूवी बी को देखो, एटमॉस्फेयर, मैंने क्या कहा, एटमॉस्फेयर अब्सॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वेदर प्रिडिक्शन धरती पे ये दोनों सिंगल हैंडेडली हमारा वेदर चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कितना एनर्जी अब्सॉर्ब हो रहा है। करेक्ट, एनर्जी अब्सॉर्ब हो रहा है तो कहीं तो जा रहा है रेड, ऐसे नहीं कि रिफ्लेक्ट कर दिया जो भी कर दिया। इसलिए यूवी रेंज और सन का जो मल्टीपल लेयर्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उनका, इवन वो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म वगैरह छोड़ो, वर्स केस छोड़ो, सिंपल डेली लाइफ के लिए वो इफेक्ट कर रहा है हमको। तो अगर हम उसे ढंग से समझेंगे तो शायद हम बेटर वेदर प्रेडिक्शन कर पाए धरती पे। अभी आते हैं आपके सवाल पे कि कोई और सैटेलाइट है क्या जो आदित्य L1 की रेंज में काम कर रहा है। काइंड ऑफ है और काइंड ऑफ नहीं है। एक सैटेलाइट है नासा का जिसका नाम है आयरिस। ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर बहुत खूबसूरत फुटेज चल रही है वो इसकी ही है। आप देख सकते हो ये सन का एक पार्ट का फोटो ले रहा है। अगर मैं आपकी यूवी स्पेक्ट्रम में दिखाऊं तो आयरिस 279 और 283 नैनोमीटर पे इमेजेस लेता है सन के। इसके बजाय भी दूसरे वेवलेंथ है पर वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। आदित्य के क्या हुआ, आदित्य के काफी एडवांटेजेस है आयरिस के ऊपर, पर दो बहुत बड़े एडवांटेजेस है। सबसे पहले तो आयरिस के बस दो वेवलेंथ है राइट, पर आदित्य लेगा 11 अलग बैंड्स में सन के इमेजेस जो आपके स्क्रीन के ऊपर है करंटली। इसलिए मैं कह रहा था इस बैंड में अगर आप देखो ऐसे इमेजेस है जो दुनिया ने अब तक कभी देखे ही नहीं है। तो जिस दिन सूट के इमेजेस बाहर आएंगे पूरी दुनिया वेट कर रही होगी, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट वेट कर रहे होंगे, हीलियोफिजिसिस्ट जो सन को स्टडी करते हैं उन्हें हीलियोफिजिसिस्ट। अब ये 11 बैंड्स में एकदम लेयर बाय लेयर इन्फॉर्मेशन देंगे सन के वो फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर का। अगर आपको एग्जैक्टली जानना हो क्या मीनिंग होगा तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक टेबल उनके पेपर में था जो रीजन करता है उस बैंड्स का यूज। सेकंड बड़ा एडवांटेज ये है कि आयरिस अगर आप देखो तो जो मैं आपको पार्ट का ही दिखा रहा हूं राइट, सन के एक छोटे पार्ट का इमेज दिखा रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि वो डिजाइन ही था सन के पार्ट्स के, सन के मतलब पूरा सन फुल डिस्क नहीं लेने के लिए बट छोटे छोटे पार्ट्स को इमेज करने के लिए, प्रोब करने के लिए। बट आदित्य वैसा नहीं है, आदित्य लेगा फुल डिस्क इमेजेस पूरे सूरज का और वो बहुत फास्ट है, 6 सेकंड्स में एक फिल्टर में ले सकता है। पर ये जो आयरिस है वो उसको प्रोग्राम किया है बस महीने में एक बार ये ऐसे मोजैक लेने के लिए, मतलब वो लिटरली ऐसे रास्टर लेता है, एक फोटो लेता है दूसरा फोटो लेता है और ऐसे ज्वाइन करके पूरा डिस्क बनाता है। अब वो आप देख सकते हो क्लियरली डिजायरेबल नहीं है क्योंकि सन चेंज होता जाएगा और ये डेटा हमें वंस अ मंथ ही मिल रहा है। तो आप इमेजिन करो सूट कितना सारा डेटा प्रोड्यूस कर सकता है एक दिन में। इसलिए मैंने कहा सूट एक ग्लोबल न्यू स्टैंडर्ड है यूवी इमेजिंग का सन के मामले में एंड जस्ट सन फिजिक्स इन जनरल, सन साइंस। बट रिमेम्बर काफी लोगों को लगेगा कि ये कोई कॉम्पिटिशन है नासा आयरिस और आदित्य सूट के बीच में, ऐसा नहीं है। ऑल्दो सूट का फुल डिस्क इमेजिंग होगा बट याद रखो कि सिंस आप पूरा डिस्क ले रहे हो आपके सेंसर के ऊपर कम डिटेल्स गिरेंगे छोटी चीजों के, बट सूट उन छोटी चीजों को, सॉरी आयरिस उन छोटी चीजों को बेटर देख पाएगा। इसलिए सूट और आयरिस कम्पीट नहीं करेंगे, वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को। शायद आदित्य में कुछ ऐसे दिख जाए जो सूट फिर इन्वेस्टिगेट करने जा सकता है। तो ये दोनों पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवेज अभी आते हैं इंजीनियरिंग साइड के ऊपर। सूट डिजाइन डे बाय आयुका पुणे, ऑफकोर्स इसरो के कुछ लैब्स और दूसरे इंस्टीट्यूट के हेल्प के साथ। वो कुछ ऐसे दिखता है, वो कुछ लोग को सिंपल लगेगा, कुछ लोगों को कॉम्प्लेक्स लगेगा। ऑप्टिकली पूछो तो ऑप्टिकली सिंपल, अगर आपने जो वेलसी का वीडियो देखा लास्ट, वेलसी ऑप्टिकली बहुत कॉम्प्लेक्स था, बहुत सारे लेंसेज, स्प्लिटिंग वगैरह वगैरह बहुत कुछ चल रहा था उसमें, पर वो मैकेनिकली सिंपल था। सूट ऑन द अदर हैंड मैकेनिकली थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझाता हूँ क्यों। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले आगे एक डोर है राइट, इसे कहते हैं ये एक्सटर्नल बैफल। बैफल मतलब कोई ट्यूब जो स्ट्रे लाइट वगैरह ब्लॉक करे। इसके ऊपर जो डोर है ये एपेचर डोर है। अब एपेचर डोर क्लोज्ड रहेगा जब आदित्य L1 कोई थ्रस्टर ऑपरेशंस वगैरह कर रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है ये डोर, ऐसे नहीं है वो। एक्सटर्नल बैफल के वहीं पे अंदर लगा एक थर्मल फिल्टर। ये थर्मल फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करेगा, जो भी लाइट 200 नैनोमीटर के नीचे उसे रिजेक्ट करेगा और 400 नैनोमीटर भी रिजेक्ट करेगा। और मेन चीज, ये जितना भी लाइट आ रहा है उसका 1% ही अंदर आने देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूरज का लाइट स्पेशली L1 के वहां वो बहुत ब्राइट होगा, बहुत गर्मी वगैरह लेके आएगा अपने साथ। अननेसेसरी इंस्ट्रूमेंट्स को गर्म नहीं करना है, इसे ऑपरेटिंग रेंज में रखना है। तो इंपॉर्टेंट है आप जितना जरूरी है उतना ही लो वरना आपके इंस्ट्रूमेंट्स हीट अप होंगे। थर्मल फिल्टर से जाते ही वो जाएगा अंदर प्राइमरी बैफल में, ये जो मेन ट्यूब है, यहां से वो गिरेगा मेन मिरर
मिरर के ऊपर जो है प्राइमरी मिरर एक एंगल के ऊपर है, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होगा और गिरेगा सेकेंडरी मिरर के ऊपर। सेकेंडरी मिरर साइड में ये आगे, अब सेकेंडरी मिरर से वो वापस रिफ्लेक्ट होगा और जाएगा इस सेकेंडरी बैफल, इस सेकेंडरी ट्यूब से, ठीक है। अब इस सेकेंडरी ट्यूब के एंड पे लगा है एक शटर, हाँ एक मैकेनिकल शटर है सूट में, जैसे कुछ कैमराज में होता है। अब ये शटर इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें अपने इमेजेस का एक्सपोजर टाइमिंग कंट्रोल करना है, डिपेंडिंग ऑन वेवलेंथ कितना ब्राइट चाहिए या कितना जल्दी एक्सपोजर चाहिए वो उन्हें कंट्रोल करना है। अब ये जो मैंने शटर डिजाइन किया है, मैंने अप्रोक्सीमेटली किया, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट डिजाइन वैसा है कि नहीं, स्पेसिफिक्स में मत जाओ, ओवरऑल कॉन्सेप्ट में जाओ इस 3D मॉडल में। तो ये एक मैकेनिकल शटर है, मैकेनिकल शटर से पास होते ही वो एक और इंस्ट्रूमेंट से जाएगा। अब ये इंस्ट्रूमेंट में कोई लेंस वगैरह तो है नहीं एज फार एज आई नो, बट कुछ LEDs लगे वो है कैलिब्रेशन LEDs, तो ये जितने भी सपोर्ट करते आदित्य वेवलेंथ उसके आइडियली LEDs होंगे जो शाइन करेंगे ताकि हम सेंसर को कैलिब्रेट कर सके लाइट के लिए। अभी आता है कूल पार्ट, यहाँ पे आते हैं दो फिल्टर व्हील्स, अगेन ये भी एक मैकेनिकल पार्ट है, ये फिल्टर व्हील्स लिटरली घूमेंगे और अलग अलग फिल्टर जो मैंने डिस्क्राइब किए थे सब नैनोमीटर के जो फिल्टर्स है उसके थ्रू फिल्टर करेंगे एग्जैक्ट लाइट और एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन को। अभी आप अगर स्मार्टली देख रहे हो तो आपने देखा होगा यहाँ पे एक व्हील पे 8 फिल्टर है, ऐसे दो व्हील है यानी 16 फिल्टर, पर मैंने तो आपको कहा था कि 11 फिल्टर ही लेता है आदित्य L1, 11 वेवलेंथ, तो 16 क्यों? वेल 11 वेवलेंथ तो है ही राइट, बचे हमारे पास 5 करेक्ट, 5 में से 4 जो है वो है ND फिल्टर्स या न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर्स, ये बेसिकली कट डाउन करेंगे लाइट को। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 200 नैनोमीटर से जैसे आप 400 नैनोमीटर जाते हो इंटेंसिटी बढ़ती है लाइट की, तो इंपॉर्टेंट है वो कट करके उसे ऑपरेटिंग रेंज में लाए। तो ये 4 ND फिल्टर्स होंगे अलग अलग वैल्यूज के, और एक होगा ओपेक ब्लॉक जस्ट बंद करने के लिए, अगर उन्हें लाइट नहीं चाहिए सेंसर के ऊपर तो वो जस्ट ब्लॉक कर देगा। तो ये दो फिल्टर्स भी अगेन मैकेनिकल, तो आप देख रहे हो ये ट्रेंड है कि बहुत सारे मैकेनिकल एलिमेंट है। ये ऑफ कोर्स आदित्य L1 5 इयर्स के लिए रेटेड है, तो उसके मल्टीपल में टेस्टेड होंगे इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब 4 मतलब 10 20 30 20 30 ज्यादा हुआ 20 सालों के लेवल्स ऑफ यूसेज के लिए शायद टेस्टेड हो, बट हां काफी सारे मैकेनिकल एलिमेंट्स रिस्क लाते अपने साथ, बट इस केस में फिल्टर सिंपलीफाई भी करते हैं पूरा डिजाइन, कॉम्पैक्ट कर देते हैं। अब वो फिल्टर्स के बाद जाने के बाद गिरेगा सेंसर के ऊपर, ये मतलब डायरेक्ट सेंसर के ऊपर नहीं, थोड़े फोकसिंग एलिमेंट्स वगैरह जाके वो सेंसर के ऊपर गिरेगा, सेंसर को -550 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन करते हैं। अब ये सेंसर का जो रेजोल्यूशन है पिक्सल रेजोल्यूशन वो है 4K/4K, अब 4K मतलब वो टीवी वीडियोस वाला 4K नहीं, 4K मतलब 4000/4000, अगर आप चाहते हो कि 4K में जाने तो 4K होता है 3840/2160 शायद करीब हाफ, क्योंकि 4K/4K 16 मेगापिक्सल्स होता है, 4K इमेज जो है 4K वीडियो का एक फ्रेम जो है वो करीब 8 point something मेगापिक्सल्स होता है, और अगर आप 1080p देखना है तो और भी छोटा है, तो काफी बड़ा सेंसर है, बहुत ज्यादा डिटेल्स दिखेंगे सन के, पर इसका जो ऑप्टिकल परफॉर्मेंस है वो हमें ये शटर खोलने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये टेम्परेचर कैसे मेंटेन करता है इंटरनल इंस्ट्रूमेंट्स के मिरर के वगैरह उसके ऊपर इसकी परफॉर्मेंस डिक्टेट होंगी। तो इवन दो आपके पास रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा है सेंसर के ऊपर, आपका इमेज शायद उतना शार्प ना हो, इसलिए इसके ऊपर हीटर्स वगैरह भी लगे हैं उसके ऑपरेटिंग टेम्परेचर में रखने के लिए, बट क्या बता, ये डिटेक्टर जो -50 पे मेंटेन है वो पैसिवली कोल्ड है, शायद वो स्पेस का जो शेडो का पार्ट है वो इस्तेमाल कर रहा है, बट हाँ मैं काफी एक्साइटेड सूट के फर्स्ट इमेजेस के लिए, विल्सी के इमेजेस के लिए भी, एंड आई थिंक सूट अभी मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट हुआ है वर्सेस विल्सी। तो हाँ डॉक्टर दुर्गेश और डॉक्टर देबियंदु उन दोनों के थैंक यू, डॉक्टर दुर्गेश PI है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर सूट के, जिन्होंने काफी हेल्प किया इन्फॉर्मेशन समझने के लिए इंस्ट्रूमेंट, तो दोनों को थैंक यू। एंड हाँ स्पेशल थैंक्स टू बुट्टा सिंह, चैतन्य, चंद्र सिंह, ETBM हाइड्रेटिंग, जयम शर्मा, कार्तिक देवाल, किल द टाइम, कृष्णा, कृपल पटेल, कुमार अखिल, धारण प्रसाद, निसर्ग मानकर, निशन कुमार, निशान प्रजापति, पर्थ बांदेगा, PP, प्रदीप मोहनदास, प्रत्युष पटेल, रजत देशपांडे, रोहित सोना, संजय कावड़े, शौनक पेरनी, शिखर, सिद्धार्थ कृष्णन, सिरमस पैकेट बोर्ड, सिवा नीलम, स्पार्क 164, श्रीकांत कापड़े, तन्मय देशपांडे, तात्या विंसू, उमी भांबानी, विपुल वैभव, विशाल बारोत और विवेक सिंह।